चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जाली सोसाइटियों की इश्तेहारी मुहिम का नोटिस लेने का कहा है। नैब के ऐलान के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक बयान में कहा है कि फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज सरकारी मुलाजमीन की उम्र भर की कमाइयां हड़प जाती हैं। तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी जाली सोसाइटीज की इश्तिहारी मुहिम का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि जल्द रकम कमाने की सोच रखने वालों को सोचना चाहिए कि दुनिया से खाली हाथ जाना है। रिस्क हलाल ही इंसान के लिए फायदे का सौदा है। चेयरमैन नैब ने कहा कि डबल शाह से लूटे हुए 4 अरब रुपए बरामद करके उसे भी सिंगल शाह बना दिया गया है। डबल शाह के शरीक मुलजिमान से लूटी गई रकम भी मुतासरीन को वापस दिलवा दी गई है।